ठीक है, डेटाबेस तो मौजूद है, वो फिर ये क्यों एरर दे रहा है? डेटाबेस तो मौजूद है मेरे पास, ये फिर ये क्यों एरर दे रहा है? अच्छा जी, ये एरर आपके पास सिर्फ एक ही वजह से आता है, ठीक है, कि उसको डेटाबेस नहीं मिल पा रही, ठीक है जी। अब डेटाबेस जब अगर मुझे नहीं मिल रही मेरे प्रोजेक्ट को, तो उसके लिए हल क्या होता है? हल ये होता है कि आपने जो डेटाबेस की फाइल एक्सपोर्ट की हुई होती है ना, जैसे ये मौजूद है मेरे पास, ठीक है, इसको पहले मैं रोजाना की बेसिस पे करूंगा क्या, एक्सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। मैंने शायद लास्ट क्लास में भी की थी जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, मेरे पास पड़ी हुई है डेटाबेस, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास अगर प्रोजेक्ट उसको नहीं मिल पा रहा, ठीक है, और ये एरर आ रहा है, तो आपको डेटाबेस जाके क्या करनी होती है, रिस्टोर करनी होती है दोबारा से, ठीक है। अब मेरे पास तो ये फाइंड कर रहा है, तो चलो ठीक है, अगर लेकर आया तो सही है, नहीं लेकर आया तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, दोबारा से इसको इम्पोर्ट करूंगा, ठीक है। तो आपके पास जो डेटाबेस की एसक्यूएल वाली फाइल है ना, उसको आपको इम्पोर्ट करना पड़ता है। इम्पोर्ट करने से पहले शर्त ये होती है कि डेटाबेस जो आपने बनाई हुई है वो आपके पास ब्लैंक मौजूद हो, अगर नहीं है तो उसको ब्लैंक क्रिएट करें। कैसे करनी है मैं बता देता हूँ। ये मेरा कहाँ तक लेके जा रहा है? आ गया, ठीक है। अब देखिए, मेरे पास प्रोजेक्ट मिल गया इसको। अब जब आपके पास ये प्रोजेक्ट नहीं मिल पाता, इस तरह का कोई एरर आता है ना, ये एरर कब आता है, जब आपके सिस्टम में डेटाबेस नहीं हो, ठीक है। तो पहले मैं डेटाबेस को उड़ा देता हूँ, दोबारा से जो आपके पास मसला आता है ना, उसके लिए मैं आपको दोबारा से ये करके दिखा देता हूँ। जैसे ये डेटाबेस है मेरी, आपने अपना सारा काम कर लिया, टिल डे जितना भी आपने काम किया है वो सारा डेटाबेस में सेव हो जाता है। अब आपको करना क्या है, यहां से एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, ये देखो, ये हो गया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद जब आप दोबारा से आते हैं ना, तो आपके पास डेटाबेस नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती आपको डेटाबेस? क्योंकि ये सिस्टम डीप फ्रीज पे होते हैं, जब रीस्टार्ट होते हैं तो अपनी सारी पिछली फाइलें डिलीट कर देते हैं। जी हाँ, ये आपको दुख पूरे एपटेक में मिलेगा, ये रूल है कि भाई आपके सारे सिस्टम डीप फ्रीज पे होंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप सबसे पहले अपने पास डेटाबेस को क्रिएट कर लेंगे। क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। किस तरह क्रिएट करेंगे देख ले। ठीक है, इसको मैंने पूरा ड्रॉप कर दिया। हो गया ड्रॉप, ओके जी। अब यहाँ पे दोबारा से देखें कि जब आप आए, आपके पास ये एरर आया और फौरन से आएगा और यही एरर आपको दिखेगा। करना क्या होगा, एपटेक आके सीधा सीधा आप न्यू पे जाएंगे और अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे जिस नाम से आपकी फाइल बनी है, ठीक है जी। जिस नाम से फाइल सेव हुई है ना, ये ब्रैकेट में 2 छोड़ देना, सिर्फ ये जो नाम है DM_14, और इसको आपने कर देना है क्रिएट। हो गया, उसके बाद ये डेटाबेस आपके पास आ गई बन के, ये बिल्कुल ब्लैंक है। जब डेटाबेस ब्लैंक होती है ना, तो यहाँ लिखा हुआ है नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस। अब यहां से आपको करना है इंपोर्ट। चूज हो गई फाइल, ठीक है जी, यहां से इंपोर्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ये मैक्सिमम 5 मिनट लेगा, कितना भी बड़ा डेटाबेस क्यों ना हो, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा। ये 1 मिनट में भी हो जाएगा, 10 सेकंड में भी हो जाता है, ठीक है जी, मैक्सिमम 5 मिनट, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा। ये हो गया डेटाबेस आगे। अब आके इसको रिफ्रेश करेंगे,
तो आपका ये एरर रिजॉल्व। अब अगर आपके पास डेटाबेस पड़ी भी है तो ठीक है, और नहीं पड़ी भी तो फिर आपका काम सारा हो गया। तो इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि हर क्लास के एंड में डेटाबेस अपने पास क्लास ड्राइव पे अपलोड करके आप चले जाओ, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आ गया हमारे पास पूरा प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम जाके हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जाके चीज़ों को सेटअप करेंगे, ठीक है। तो wp.login_login.php पे आएंगे यहाँ पे, ठीक है जी। ये देखना, ठीक है जी। लास्ट क्लास में हमने WooCommerce को जाके सेट किया था कि किस तरीके से हमारे पास जो है WooCommerce इंस्टॉल होता है, WooCommerce के अंदर जाके हम क्या क्या काम कर सकते हैं, हम सारा जो प्रोडक्ट का सिस्टम है, एड टू कार्ट करना, चेकआउट करना, यूजर को ईमेल के ऊपर रिसिप्ट भेजना, ठीक है। दो रिसिप्ट बाकायदा से जनरेट होती है, एक उसकी इनवॉइस होती है और एक आपके पास ऑर्डर की रिसिप्ट आती है। वो सारा के सारा काम यहाँ पर जाके क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है जी, तो जब आप WooCommerce सब इंस्टॉल कर लेंगे तो सबसे जो पहला आपका स्टेप है, दिस इज योर पेमेंट्स, ठीक है जी। कि आपके पास जो पेमेंट्स हैं वो आपको जाके क्या करनी है, सेट करनी है, यानी कि आप इसमें कैश ऑन डिलीवरी पे जाके क्या कर लेंगे, चेक लगा लेंगे, ताकि आपके पास कैश ऑन डिलीवरी क्या हो जाए, यहाँ पे सेट हो जाए। पर केजी के हिसाब से लेते हैं। हाँ हाँ पर केजी, अब आपके पर पास कितना पार्सल में कितना पर केजी आता है, या वो होते हैं, अगर हाँ हाँ वही 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 लेते हैं, परसेंटेज कोई नहीं लेते। कैश ऑन डिलीवरी तो उसमें से भी वो कोई डिडक्शन नहीं नहीं डिडक्शन नहीं, ठीक है। ये आपके पास पेमेंट आ गया, पेमेंट को हमने एनेबल किया हुआ था। अब इसमें आते हैं शिपिंग क्लास की तरफ। शिपिंग क्लास आपको सबसे पहले बना लेनी, ठीक है। किसी के लिए भी आप प्रोजेक्ट बना रहे ना, तो उसके उससे ये चीजें पूछे कि भाई तुम जो है वो क्या किस तरीके से डिलीवर करोगे, कितने डिलीवरी चार्जेस रखोगे। क्योंकि देखें, ये काम वो होते हैं जो आपको स्टार्ट में सेट करना है, ये बाद में जाके सेट करने के नहीं होते। अब आपने 100 प्रोडक्ट डाल दिए, बाद में उसने बोला कि मुझे डिलीवरी चार्जेस रखवाने, तो अब क्या करेंगे आप? अब आप एक एक प्रोडक्ट के ऊपर जाके क्लास को ऐड करवाएंगे। तो इससे बेहतर है मैं शिपिंग क्लास पहले से बना लूं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखें फ्री शिपिंग मौजूद है, ठीक है। मुझे फ्री शिपिंग नहीं करनी, ठीक है जी। सबसे पहले तो भाई आप शिपिंग में जाके अपना जोन सेट करेंगे। जोन का मतलब कि आप कहाँ कहाँ डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास जोन का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्ट टाइपिंग और फिल्टर जोन। अब जोन में भाई सिंपल, मैंने जाके यहाँ पे चूज किया एशिया, और एशिया में मैंने जाके यहाँ पे नीचे आता हूँ मैं, तो मेरे पास जो मौजूद है वो पाकिस्तान, और पाकिस्तान मैंने पूरा चूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं शिपिंग क्लासेस पे, ठीक है जी। एड शिपिंग क्लास पे आप गए, तो आपने यहां पे दे दिया
डिलीवरी चार्जेस, ठीक है जी, और शिपिंग क्लास आपने कर दी यहाँ पे, ठीक है। सब ये सारा वूकॉमर्स कर कॉमर्स करेगा, ठीक है जी, क्लास हो चुकी है क्रिएट। अब आता हूं मैं शिपिंग के ऊपर, सेटिंग के ऊपर। अब आप चाहे जितनी से जो है ना क्लासेस बनाने जाए, ऑल ओवर पाकिस्तान, सेम डे डिलीवरी, ऑल ओवर कराची, सब कुछ आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। हाँ, फर्स्ट टाइम पे हो। ये फर्स्ट टाइम पे करना है भाई, पता चले आपने जाके डाल दिए कुछ 15-20, मैंने बोला ना 100 से प्रोडक्ट डाल दिए, हो गया जी, वालेकुम जी सलाम, हाँ ठीक मेरा हो सर, हो गया। है। बाकी ये कि डेमो देने को बोल रहा कब था बुलाया, परसों तक, थर्सडे ना? हाँ आ जाना, और बाकी आज का क्लास में आ जाए तो हाँ हाँ आ जाओ, आ जाओ भाई, क्लास में आना, जब तक मैं ना बोलूँ तब तक आते रहने। आज तो मुझे तैयारी करनी है, परसों पेपर है, ठीक हाँ। है। आपने सर वो डॉक्यूमेंट भी नहीं भेजे। नहीं, वो इसलिए नहीं भेजे कि मुझे बुक से क्लास में भी दवाई तैयारी करवानी है, वो अच्छा डॉक्यूमेंट के ब्याह पे बच्चा जो भी आता है ना, फायदा कुछ नहीं होता, तो उससे बेहतर है मैं क्लास में आज करवा दूँ तैयारी, ठीक है ठीक है। सर, ओके चलिए, सर, ओके ओके जी। तो यहाँ पर आपके पास जो है शिपिंग क्लासेस आ गई, शिपिंग जोन पे आ गए, सेटिंग्स में। अब देखो, शिपिंग का आपके पास सारी चीजें इनेबल रखनी है, कोई चीज आपको डिसेबल नहीं रखनी, देखो ये आ गया कि आपको जो है वो पाकिस्तान के अंदर सारे कॉन्टिनेंट में, उसके सिटीज में जाके क्या करना है, डिलीवर करना है भाई। ऊपर वाली मैंने जाके जोन को हटा दिया, डिलीट कर दिया, जो ये मुझे बाय डिफॉल्ट देता है। कोई ऐसी चीज रखनी नहीं है आपको वेबसाइट में जो एक्स्ट्रा है। तो हाँ, ऐड तो आप बाद में 10 कर लें, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कर दें, कितने जोन आपको ऐड करने हैं, आप करते जाए, आपका बिजनेस बड़ा हो जाए, आप बांग्लादेश ऐड करें, इंडिया ऐड करें, सब टू यू, ठीक है। अब आप जाके इसको करेंगे एडिट, क्या करेंगे आप इसको एडिट करेंगे, अब आप इसको, तो देखो ये कह रहा है कि इसके ऊपर कोई शिपिंग मेथड अभी तक ऐड नहीं हुआ हुआ, सही है जी। अब यहां से मैं शिपिंग मेथड को ऐड करूंगा, तो ये कह रहा है फ्री शिपिंग है, फ्लैट रेट है या लोकल पिकअप है। मैंने कहा फ्लैट रेट देना है मुझे, फ्लैट अच्छा रेट का मतलब जो डिलीवरी चार्जेस फिक्स होते हैं, ठीक है जी। अब वो आपके ऊपर है कि आपने टोटल कार्ट पे वो लगाए हुए, या आपने जाके उस पर कितने रख दिए, फिक्स रख दिया अमाउंट कोई 300 रुपये, 500 रुपये, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको जाके कह रहा है कि भाई तुम्हें कॉस्ट कितनी रखनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया कॉस्ट, अब आपको ऐड क्या करनी है ये भी सुन ले। फ्लैट रेट आपने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है जी। शिपिंग क्लास कॉस्ट, जितनी शिपिंग क्लास कॉस्ट है वो यहाँ जाके ऐड होगी, ठीक है जी। तो मैंने जाके इसको बता दिया, देखो यहाँ मेंशन भी है डिलीवरी चार्जेस, शिपिंग क्लास कॉस्ट, मैंने यहाँ पे बता दिया 400, क्या बता दी मैंने, 400, ठीक है जी। बिल्कुल नहीं, इट्स अप टू यू भाई, आप कितना भी रखें, ये क्लाइंट के ऊपर होता है, वो जाके फिक्स करता है। कराची तो 200 रुपये है, ऑल और ओवर द पाकिस्तान हमारे जो है वो सेम चलता है, वो हाँ ठीक है, चाहे आप वो टीसीएस के थ्रू करवाएं या कहीं से भी करवाएं, वो सेम ही होता है, ठीक है जी। लेकिन ये आपको हमेशा क्लाइंट ही बताता है, ठीक है। अगर आपको क्लाइंट थोड़ा सा ही आगे ले जाए, तो फिर मैं इसके अंदर एक और नया प्लगइन ऐड करके दिखाऊंगा सिटी वाइज, कि बंदा अपना सिटी चूज करे और वहां से शिपिंग क्लास उठेगी, ठीक है। ये तो आपके पास नॉर्मल सी बन गई शिपिंग क्लास, ठीक है जी। अब मुझे सबसे पहले इसमें क्या करना है, जब ये सारी सेटिंग्स मैंने कर ली, तो मैं जाके इसको कर दूंगा क्लोज। अब आपकी बारी आती है प्रोडक्ट ऐड करने की, प्रोडक्ट ऐड करने से पहले आपके पास आती है कैटेगरीज, क्या आती है, कैटेगरीज, ठीक है जी। अब भाई आपको आपके क्लाइंट ने ये बोल दिया मेरी नई वेबसाइट है और मुझे इस पे ऑफर्स चलानी है, डिस्काउंट्स देने, कूपन बना के, क्या बना के दो, कूपन। अब मैं मार्केटिंग पे आऊंगा और यहां पे आ जाऊंगा, ठीक है जी। देखिए ये काम पहले करने का मकसद पता है क्या होता है, आप फिर उसके बाद हजारों प्रोडक्ट डालते जाए, जिस पे डिस्काउंट देना है वो डाल दो, जिस पे शिपिंग क्लास ऐड करनी है वो कर दो, ये आपके ऊपर होता है, ठीक है जी। इसको आपको छोड़ना नहीं होता,
ठीक है जी, कूपन कोड पे आया मैं, इसने बोल दिया कि भाई फ्लैट 20% मुझे इसका डिस्काउंट देना है, तो यहाँ पर आपने जाके अमाउंट बता दी कि 20% डिस्काउंट दे दो। ठीक है जी, कार्ड डिस्काउंट होगा ये, ठीक है, बल्कि परसेंटेज डिस्काउंट इसको कर दो कि 20%, अब जितना भी बल्ब बनाए उसमें से 20% इसको आपने डिस्काउंट देना है। यूजेज रिस्ट्रिक्शन के मिनिमम कितनी शॉपिंग पे 20% देना है, मैंने जाके इसको बता दिया 8,000 की शॉपिंग पे इसको देना है। पानी की बोतल भर दोगे और चाय भी पिला दोगे, ठीक है, और मैक्सिमम स्पेंड कितना होगा भाई, मैक्सिमम होगा कि मैक्सिमम छोड़ दो, बस 8,000 तक की जिसने शॉपिंग कर दी उसको 20% आपके क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। यहाँ पे दूसरे ऑप्शन होते हैं कि किस प्रोडक्ट पे आपको डिस्काउंट रखना है और किसको एक्सक्लूड करना है, क्या करना है, एक्सक्लूड यानी कि उसको निकाल लेना है कि इस प्रोडक्ट के कैटेगरी पे हम डिस्काउंट नहीं देते। फिर यूजेज लिमिट, ठीक है जी, यूजेज लिमिट पर कूपन और यूजेज लिमिट पर यूजर, ठीक है जी, यूजर जो है ऑनलाइन वो एक ही दफा यूज कर सकता है, ठीक है जी, और कितने बार कूपन उसके अप्लाई होंगे, मैंने कहा 2 दफा अप्लाई होंगे, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है जी, उससे ज्यादा अप्लाई नहीं होंगे, मैंने कूपन भी बना दिया, ठीक है जी। अब ये होती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जब बंदा बिजनेस शुरू करता है ना और ये बिजनेसमैन का दिमाग चल रहा है, वो आपको ये सब पॉइंट्स बताता है कि भाई मुझे इस तरह काम करना है, ठीक है जी। अब आप उसको ये नहीं बोल सकते यार ये मुझे आता नहीं, ये सारे स्टेप्स पहले होते हैं, अब आपके पास बनेंगी कैटेगरीज और फिर आपके पास एड होंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब आते हैं कैटेगरीज के ऊपर, मैं प्रोडक्ट्स पे आया, मैं कैटेगरीज पे आया, ठीक है, अब कैटेगरी आपके पास होती क्या है कि भाई जैसे कि आपने बोल दिया आपकी वेबसाइट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी हैं, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आपके पास जनरल आइटम्स भी हैं, आपके पास जो है वो होम अप्लायंसेस भी हैं, ठीक है जी, तो ये आपके पास सब कैटेगरीज में आती है। अब कैटेगरी के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मोबाइल फोन भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रेफ्रिजरेटर्स भी आते हैं, फिर ये उनकी सब कैटेगरीज बनती जा रही है, ठीक है जी। फिर इसी तरीके से आपके पास जो है वो अगर आप सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप को देखें तो उसमें एलईडी भी आती है, उसमें कंप्यूटर्स भी आते हैं, उसमें लैपटॉप्स भी आते हैं, तो ये सारी कैटेगरीज आपके पास बनती चली जाती है, ठीक है। कैटेगरी बनाना आपके लिए जरूरी है, ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इलेक्ट्रॉनिक, और ये मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इस सबकी पेरेंट कैटेगरी यही बनेगी, ठीक है जी। यहाँ से ऐड न्यू कर दिया आपने, ठीक है, ऐड हो गई। सबसे पहले आप इसको डिफॉल्ट कर दें। अब डिफॉल्ट का फायदा क्या है कि अगर आपने कैटेगरी चूज नहीं भी की ना तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स में चली जाएगी। अब आपके पास भाई एक बहुत बड़ी सदर में शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके पास सब मिलता है, ठीक है जी, तो आपने जाके उसको क्या कर दिया, फर्दर कैटेगरीज आपने ऐड कर दी। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपने यहाँ पे रख दिया मोबाइल, अब मोबाइल फोन बहुत सारी कैटेगरीज के आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब जब आप कैटेगरी ऐड करते हो ना, देखो मोबाइल ऐड किया ना मैंने, तो मोबाइल को भाई मुझे बताना है इसको पेरेंट क्या बनाना है, पेरेंट किसका, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का चाइल्ड जाके बनेगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक इन सब का क्या बनेगा, पेरेंट बनेगा। आप किसी को ये भी नहीं बोले होंगे ना कि यार इलेक्ट्रॉनिक उसकी मोबाइल की शॉप है, आप जाके क्या बोलोगे कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है जिसमें सब आइटम्स मिलते हैं। तो यहां से मैंने चूज कर ली कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है जी। उसके बाद अब ये पूरा एक ट्री स्ट्रक्चर बनता हुआ आएगा, देखते जाइएगा कैटेगरीज कैसे ऐड होती हैं, फिर प्रोडक्ट कैसे ऐड होता है। ठीक है, हो गया, ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर इसके अंदर ये बनता चला जाएगा। अब मोबाइल फोन के अंदर भाई कौन कौन से मोबाइल फोन आप सेल करते हैं, मैंने यहाँ पे दे दिया सैमसंग, ठीक है जी। अब सैमसंग की पेरेंट कैटेगरी कौन सी होगी, मैंने कहा मोबाइल फोन, ठीक
ठीक है, तो ये डबल लाइन का मतलब क्या है कि भाई इसके ऊपर एक पेरेंट है, फिर उसके ऊपर भी एक पेरेंट है। अच्छा जी, फिर हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे एलईडी, और एलईडी की जो पेरेंट कैटेगरी होगी इट विल बी इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आगे आपके पास, तो ये आपके पास ट्री स्ट्रक्चर्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ट्री स्ट्रक्चर्स जाके क्रिएट होते हैं, और क्या होता है भाई, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर की स्पेलिंग मुझे पता है, गलत लिख रहा हूं मैं। ये भी दे सकते हो आप। चले जी, तो हमने जाके कुछ कैटेगरीज पे जाके ऐड करवा दी। ठीक है जी, ऐड हो गई हमारे पास कुछ कैटेगरीज। अब मुझे जाके इसमें करना क्या है, मुझे जाके इसके अंदर अब प्रोडक्ट्स ऐड करने, अब बारी आती है प्रोडक्ट ऐड करने। ठीक है जी, अब मैं आता हूँ सबसे पहले ऑल प्रोडक्ट्स की तरफ। ठीक है, अब आप जितना भी काम करेंगे ना, अब आपको काम करने में मुश्किल नहीं होगी। अब शर्त ये है कि प्रोडक्ट आपको कौन देगा, जो वो बंदा देगा जो वेबसाइट का ओनर है, जो आपसे वेबसाइट बनवा रहा है। आपको वो बोले ना डिस्क्रिप्शन खुद डालो, तो बोलो भाई डिस्क्रिप्शन खुद नहीं डाली जाती, अगर मैं डिस्क्रिप्शन खुद डालूंगा आई विल चार्ज एक्स्ट्रा। जी भाई, सिंपल सी बात है ना, अब ये चेयर है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, क्वालिटी होगी, किस स्टफ से ये बनी हुई है, इसका स्टफ क्या है, प्लास्टिक है, रबड़ है, आपका जो है वो प्लास्टिक मिरर है, क्या है ये। ठीक है जी, तो ये आपको वो सब बताएगा, और ये लोग बताते हैं। ठीक है, पिक्चर्स भी इसको बोलोगे तुम दोगे। हाँ, अगर वो बोले ना यार देखो मुझसे पिक्चर्स अच्छी नहीं ली जाती, ठीक है भाई मैं आके या मैं बंदा भेज दूंगा, वो फोटोग्राफी कर देगा, उसको पे कर देगा, उसको बोलो दे देना उसको 2,000-3,000 रुपये पर डे के, यानी कि 2-3 घंटे वो तुम्हारे पास होगा और सारे प्रोडक्ट्स में ऐड करवा, मतलब छोड़ना नहीं है किसी चीज। ठीक है, हर जगह से क्लाइंट को घेरना है। क्लाइंट आपको बोलेगा ना, क्लाइंट को बोले ठीक है सब बना देंगे, ये मेरा बजट है इतने में बनेगी, फिर वो तुम्हारे पास बोलेगा नहीं मेरा बजट कम है, तो फिर उसको ऑप्शंस कम करते जाओ। इससे पता है क्या होगा, आपके पास क्लाइंट हमेशा रहेगा। और लोकल क्लाइंट की एक बात बताता हूँ, लोकल क्लाइंट को अगर रखे रहना है ना, उससे कभी भी पूरे पैसे नहीं दो, कम से कम 5,000 रुपये भी उसके ऊपर ड्यू रखो। भाई ये 5,000 तुम्हारे रहते हैं, तुमने दिए थोड़ी है, वो बोलेगा अभी ले लो, बोलो दे दो, देगा नहीं वो, हमेशा चार्जेस इसी तरीके से रखे जाते। ठीक है जी, अब जैसे मैंने आपसे शायद वेबसाइट शेयर की थी, यानी की थी वो गोल्ड वाली, बल्कि की थी, अब इस क्लाइंट को मुझे मिलना है दोबारा से। ठीक है जी, अब मसला क्या है, ये इसने वेबसाइट खुद बनाई है, इसके डिजाइन खुद का है, अब डिजाइन में बड़े पंगे। ठीक है जी, अब इसने मुझे SEO का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अब मुझे इसको पूरा इसको वेबसाइट के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो आपकी अगली स्किल हो। हाँ ठीक है जी, तो आपको कभी भी क्लाइंट को ये नहीं कहना कि हाँ ये भी हो जाएगा या ये भी हो जाएगा, भाई देखो बजट नहीं है तो ये नहीं होगा, सॉरी। और अगर आपको क्लाइंट पहले दिन से बोल देना मुझे सिखाना है प्रोडक्ट कैसे डालेगा, तो बोलो ठीक है उसके मैं इतने चार्जेस पहले से ले लूंगा। उसको बोलो भाई 40,000 की वेबसाइट है, और अगर आपको एक्स्ट्रा ये चीजें करनी है तो मैं आपको पूरी वीडियो बना के दे दूंगा, मोबाइल में सेट करके दे दूंगा, आई विल चार्ज 10,000। और अगर बोले ना कि यार सब आप देखो, बोलो ठीक है सब मैं देखूंगा, मंथली 5,000 मुझे दे दो। हाँ मंथली तुम जितने भी प्रोडक्ट डलवाओ मुझसे, लेकिन मंथ में 2 दफा। अब ये तुम पर है कि महीने के आखिर में डलवाओ, शुरू में डलवाओ, बीच में डलवाओ, 2 दफा मैं तुम्हारा काम करूंगा। ठीक है ये, अच्छा ये कुछ क्लाइंट जो होते हैं ना वो ज्यादा काम भी लेते हैं, ज्यादा काम मतलब ऐसे कि आपको 50 प्रोडक्ट भेज दिए विद डिस्क्रिप्शन एंड पिक्चर्स, आपको तो डालने। कुछ होते हैं बेचारे क्लाइंट्स जो बोलते हैं यार इस महीने प्रोडक्ट नहीं है नहीं डालने, लेकिन जो बिजनेसमैन माइंड होता है ना, अच्छा जैसा बिजनेसमैन माइंड हमेशा वेबसाइट में प्रोडक्ट डलवाएगा, उसको पता है कि यार वेबसाइट से लॉस नहीं करना, कमाना है और आपको उसको कमा के दिखाना है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन हमेशा याद रखना। अक्सर स्टूडेंट क्या करता है, वेबसाइट का कॉन्ट्रैक्ट उठाता है 20-25,000 रुपये में,
फिर होस्टिंग के लिए मेरे पास आता है रोते रोते कि सर अब क्या करूं, और फिर वो कहता है यार सर क्लाइंट छोड़ ही नहीं रहा, वो प्रोडक्ट डलवाए जा रहा है, अपने क्या करूं। तो ये सारी चीजें रिटर्न में दें उसको, रिटर्न में दें। हाँ कॉन्ट्रैक्ट हाँ कॉन्ट्रैक्ट बना लें, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाह रहे उसको व्हाट्सएप पे कर दें, चाहे आपका सगा भाई क्यों ना हो, रिटर्न में दें उसको भाई ये चीज है, ये हमारी बात हुई थी खत्म। जैसे एक क्लाइंट का डोमेन और होस्टिंग नेक्स्ट वीक एक्सपायर होने वाली है, तो उसको मैंने मैसेज किया भाई क्या करना है, उसने कहा हाँ रिन्यू करना है, तो उसने मुझे बोला चार्जेस बताओ, मैंने उसको जो लास्ट ईयर के चार्जेस थे वही उसी का मैसेज मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया, तो कह रहा है इतने चार्जेस तो नहीं थे, मैंने कहा ये देख लें आपका ही मैसेज है, रिटर्न में दिया भाई कोई वो नहीं दिया, तो कह रहे चलो ठीक है मैं आपको बता देता हूँ एक दो दिन में पैसे भेज देता हूँ आप रिन्यू कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज है। दूसरा क्लाइंट को कंफ्यूज नहीं करना, उसको सिंपल बताओ, आपको कोई क्लाइंट बोले ना यार रमजान के पहले रोजे को वेबसाइट लॉन्च करनी है, बोलो हो जाएगा एक दिन पहले हो जाएगी, या रमजान का ऐलान होगा ना चांद नजर आएगा उसी वक्त वेबसाइट को लाइव कर दूंगा, उसका मसला नहीं है, पेमेंट की बात पहले करो, ठीक है जी। हाँ डोमेन होस्टिंग में क्लाइंट को मत फंसाओ, बोलो तुम्हें किस नाम से वेबसाइट चाहिए, चेक करो अवेलेबल है ठीक है, नहीं है अवेलेबल बोले यार ये नाम अवेलेबल नहीं है, इसके बदले में ये अवेलेबल है, क्लाइंट तब आपके पास आते हैं, ठीक है जी। और क्लाइंट को ये नहीं बोलना कि मैं वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना, क्लाइंट को बोलो भाई तुम्हें वेबसाइट रेडी मिलेगी, ठीक है। और लोग करते ही यही है। अब हमारे पास कोई क्लाइंट होता है ना, जैसे हमारे पास एक लॉयर है वो क्लाइंट भी है और उसका बिल्डर का भी बिजनेस है, वो क्या उसने वेबसाइट पूरी बनवाई हमसे, ठीक है, उसकी वेबसाइट का खर्चा काफी हुआ है, 80,000 90,000 तक का ऑलमोस्ट खर्चा हुआ, उसका जो एडमिन पैनल है ना वो उसके मोबाइल में फिक्स है, वो एडमिन पैनल खोलता है तस्वीरें चूज करता है अपलोड करता है वेबसाइट में दिखती है, बस उसको ये बताया ही नहीं हमने होस्टिंग किससे लिए कहाँ से लिए क्या लिए डोमेन क्या है, उसने नाम बताया था भाई ये नाम से मुझे वेबसाइट चाहिए, बस खत्म। उस नाम से अवेलेबल नहीं थी, हमने उसको सजेशन दिए कि देखो इस नाम में तुम अंडरस्कोर लगा लो माइनस लगा लो, जब ऐसे किया उसने बोला ठीक है। तो क्लाइंट को ना काउंसलिंग करें, उसको कंफ्यूज नहीं करें भाई, दिस इज माय कॉस्ट, आप 50,000 बोल दें उसको, 40,000 बोल दें, इट्स अप टू यू, ठीक है। और फिर आप स्टार्ट करें और काम डायरेक्ट लाइव से स्टार्ट करें। मैं जो है वो मैंने मैनेजमेंट जो हमारी है मिस हाजरा, उनसे मैंने बात की है, मैं आप सबका जो है ना एक सब डोमेन बना के दे दूंगा एप्टेक गार्डन के साथ, यानी कि huzaifa.apticgarden.com। अब ये क्या करेगा, घर बैठे अपनी वेबसाइट को खोलेगा और उस पर प्रैक्टिस करेगा, ठीक है जी। तो इससे फायदा क्या होगा कि ये अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर लेगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट्स को इस पर लोकल पे पहले पूरा तैयार करना है, फिर जाके उसको हम माइग्रेट करेंगे। अच्छा जी प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं भाई, ओके आप प्रोडक्ट ऐड करते वक्त आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज, प्रोडक्ट का टाइटल बड़ा नहीं हो, इतना बड़ा नहीं हो जैसे मैंने यहां पे रखा, ठीक है ओके जी। फिर आते हैं यहां पे, ये प्रोडक्ट की फुल डिस्क्रिप्शन है और ये होती है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नीचे। अब आपको ये मैनेज करना है, ये भी क्लाइंट देगा, व्हाट इज योर प्राइस, मैंने यहाँ पे प्राइस डाल दी 35,000। सेल पे लगाना है या नहीं लगाना, सेल पे नहीं लगाना क्योंकि कूपन दिया हुआ है। इन्वेंट्री कितनी है, यानी कि इस प्रोडक्ट का यूनिट क्या है, SKU, मैंने बोला इसका SKU रखो G A31, Galaxy A31, ठीक है भाई। ये नहीं स्टॉक है, ठीक है जी, ट्रैक स्टॉक क्वांटिटी फॉर दिस प्रोडक्ट, यानी कि भाई मेरे पास इसकी क्वांटिटी कितनी मौजूद है, दिस 20 पीस, कितने पीसेज है 20 है। अब यहाँ पे मुझे चूज करना है इट इज मोबाइल फोन और ये किस ब्रांड का है, सैमसंग का, ठीक है क्लियर है। देखें कैटेगरी आ गई, कैटेगरी मेरे पास यहाँ पे सिलेक्ट कर ली मैंने, उसके बाद प्रोडक्ट के टैग्स, तो मैंने यहाँ पे टैग्स दे दिए, मैंने कहा सैमसंग गैलेक्सी
A31 स्मार्टफोन, ठीक है जी, ये इस तरह के टैग्स देने। ये वो चीज़ है जो उनको पे भी करके देने हाँ पड़ते हाँ ठीक है जी, ये आपको टैग्स यहाँ पे देने। उसके बाद आप नीचे आएंगे ना, अब ये इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का मतलब प्रोडक्ट के साथ ये दिखेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसकी डिस्क्रिप्शन उठा लेते हैं इंटरनेट से। हाँ ये काम नहीं करना जो मैं कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है जी, जो कॉपी राइट का मसला आएगा। कर हाँ, अपनी तरफ से आप नहीं लिखे, आप उसकी डिस्क्रिप्शन ही डालें, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन आप अपने वर्डिंग में डालें, ठीक है जी। अब जैसे कि ये है ना, अब इसने टैब्स बना के डाले हुए हैं कैमरा के, तो मैंने यहाँ से बस कैमरा के उठाए और यहाँ पेस्ट कर दिया। ये नहीं करना है, मैं कुछ टाइप करूँ खुद कर, और जरूरी भी नहीं है कि आप इसी की जो है ना डिस्क्रिप्शन उठा के टाइप कर दें। आपको देखना है कि भाई मैं जो चीज बेच रहा हूँ उसके फीचर्स क्या क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या क्या है। मैंने यहाँ से प्रोडक्ट को पब्लिश कर दिया, ये देखिए, ठीक है, ये आ गई, ये होती है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। ये आपके पास लिखा हुआ है 20 स्टॉक, यहाँ पर आपके पास जो के आ गया इसका प्रोडक्ट का SKU, ये कैटेगरीज आ गई, ठीक है जी। और नीचे आपके रिव्यूज दे रहे हैं। अब इसमें मेन चीज पिक्चर तो ऐड ही नहीं, ठीक है जी, तो आ जाओ पिक्चर उठा लेते हैं भाई। इसका ओरिजिनल मॉडल ये, ठीक है जी। आ गई पिक्चर, इसको मैंने सेव कर दिया और डेस्कटॉप पे मैं शायद फोल्डर क्रिएट किया था DM14 का, ये रहा, ठीक है जी। और इसको जिपेक करके आप सेव करें, ये अभी होती है प्रोडक्ट की इमेज जो फ्रंट पे लगेगी। अब जब प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हैं, कोई भी इमेज आप अपलोड करेंगे उसका ऑल टेक्स्ट खाली नहीं छोड़ना है। अब इस ऑल टेक्स्ट में आएगा क्या, जो भी प्रोडक्ट का टाइटल है ना वो पूरा कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है जी। और टाइटल में भी यही डाल दो, सेम एज इट इज डाल दो, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इसी से उठती है जी, हाँ, ठीक है। कोई चीज खाली नहीं छोड़नी जब आप प्रोडक्ट ऐड करें। अपडेट कर दिया आपने इसको, अब भाई ये प्रोडक्ट की फुल डिस्क्रिप्शन है ना, मैं यहां से फुल डिस्क्रिप्शन कॉपी करता हूं, जो काम करना है वो आपको क्या करना है, पब्लिश करना है। जो काम आपने कर लिया वो आपको क्या करना है, पब्लिश जरूर करना है। अगर आप पब्लिश नहीं करेंगे तो वो फिर उड़ जाएगा, पब्लिश ऑप्शन अपडेट है ना। अब जैसे मैंने ये डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी, दोबारा मैंने इसको अपडेट कर दिया, और अब हम जाके इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे।
ठीक है, आ गई पिक्चर और ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। अब ये थीम के ऊपर है, डिस्क्रिप्शन कैसी दिखा रहा है, ठीक है जी। आपको डिस्क्रिप्शन अब आपको यहाँ पे इस तरीके से शो कर रहा है, कुछ थीम में जो है फुल पैराग्राफ बना के शो कर रहा है, तो ये आपके पास डिस्क्रिप्शन के तौर पे यूज की जाती है, ठीक है। ओके जी, अब प्रोडक्ट हो गया और प्रोडक्ट आपने यहाँ पे एड टू कार्ट किया। जब आपने इसको एड टू कार्ट कर दिया है, अब ये एड टू कार्ट होगा, फिर आपके पास यहाँ पे ये बास्केट बनी हुई है, ये जाके आपके पास शो की जाएगी। हाँ ओके जी, अभी यूजर कर रहा है, चला गया बास्केट में, ठीक है जी। अब ये जाके अपने कार्ट की तरफ जाएगा और आपको ऑर्डर प्रोसीड करेगा। ये देखो, ठीक है। अब अगर आपने कूपन दिया हुआ है तो कूपन आपके पास यहाँ पे ऐड होगा। अब देखें यहाँ पे शिपिंग में क्या लिखा हुआ आ रहा है, फ्लैट रेट आ रहा है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि मैंने शिपिंग यहाँ पर ऐड नहीं की। शिपिंग कहाँ ऐड होती है आपके पास प्रोडक्ट में, जब आप इसके पास यहाँ शिपिंग के ऑप्शन में आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है डिलीवरी चार्जेस आ गई जो हमने बनाई थी, या आपने चूज की और यहाँ से आप प्रोडक्ट को अपडेट कर दें। तो ये सारे जो पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे पॉइंट्स आपको डे वन से ही सेट करके अपने पास चलाने। आ गई शिपिंग के पैसे एड हो गए 400 रुपए, ठीक है जी। 35,000 का फोन है, 400 रुपए तुम्हारी शिपिंग है, 35,400 रुपए का ही हो गया, ठीक है जी। अब यहां से यूजर क्या करेगा, चेकआउट करेगा। अच्छा ये चीज जरूरी है, देखें ये 400 रुपए आपने यूजर को बता के लिए ना, उसको पता है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हम जो है वो फ्री डिलीवरी दे रहे हैं और चीज को महंगी करके बेचते हैं। अब ये तो भाई उसके ऊपर है, जो वेबसाइट बनवा रहा है आपसे उसके ऊपर है, या उसका क्या बिजनेस है, उसने आपको बता दिया फ्री डिलीवरी रखनी है तो उसको फ्री डिलीवरी बताओ, ठीक है। लेकिन अगर वो आपको कहता है तो आप बता दो। वैसे लोग करते हैं, यूजर बाकायदा यहाँ पे लिखवाते हैं कि भाई जितनी डिलीवरी चार्जेस है वो यहाँ पे शो होने चाहिए, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट भी हो रहे हैं, यानी कि आपका जो कस्टमर है वेबसाइट पे जो आ रहा है उसको पता है कि यार ये इतना पैसे मुझसे ले गए, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे चेकआउट कर दिया, ठीक है जी, ये हो गया चेकआउट। अब यहां पे हम डालते हैं एड्रेसेस, जैसे तुम्हारी ईमेल बताओ, रेफा DM, फैब, ठीक है। अब उसमें आपकी सारी चीजें जाएंगी, भाई हुजैफा है ये, लास्ट नेम क्या है तुम्हारा, हुसैनी, ओके जी। स्ट्रीट एड्रेस हमने डाल दिया, सदर अपवा कॉम्प्लेक्स कराची, ठीक है जी। ये पता नहीं कौन सा कोड होता है, मुझे आज तक नहीं पता चला, पता नहीं कौन सा होता है, अब यूज होता है, अब यूज नहीं होता, ये होता है भाई। ये लेकिन ईमेल सिस्टम ने इसको खत्म कर दिया है, हाँ वो मैटर करते हैं, लेकिन लेटर आते कब है आपके, मतलब इंटर बोर्ड से भी अगर कोई लेटर आना हो या मार्कशीट आनी हो तो कब आती है, अब तो आती नहीं है। बहुत रेयर केस में किसी 100 में से 10 बच्चों को मिल गई तो मिल गई,
वरना वो कहते हैं हमने भेजा था, आप अपने पोस्ट वाले से पूछो, पोस्ट वाले बोले कभी आया नहीं है बंदा, फिर आपको मिलता है वहीं से। ठीक है जी, तो ये बहरहाल आपके पास जो है वो कर दिया हमने प्लेस ऑर्डर। तो जब ऑर्डर यूजर प्लेस कर देगा तो जो वेबसाइट का ओनर है उसको कहाँ दिखेगा? उसको उसकी ईमेल पे दिखेगा, अगर उसकी वेबसाइट लाइव है। अगर उसकी वेबसाइट लाइव नहीं है तो वो जाके कहाँ दिखेगा? वो जाके इसके डैशबोर्ड पे दिखेगा। ऑर्डर हम लोग मोबाइल पे हाँ, वेबसाइट तो सब पे चलेगी ना, मोबाइल पे चलेगी। हाँ, व्यू भी सब पे हो सकता मेरे पास ऑर्डर आया तो मोबाइल पे मुझे नोटिफिकेशन आ है। सकता हाँ, जीमेल लॉग इन कर ले, आ जाए, है नंबर पे? नहीं आ नंबर पे भी सकता आ सकता है। बताओ आपको सर, सर्विस खरीदनी पड़ेगी नंबर की। सबसे नहीं, सस्ती है। अब आप नंबर पे कहाँ जा रहे हो, मैसेज पे जा रहे हो? बस ये मेरे पास एक मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगी मैं नया ऑर्डर। हाँ, तो सर्विस खरीद लिया, वैसे मैं ये रहा। ठीक है, अब यहाँ ऑर्डर आपको कहाँ मिलेगा? WooCommerce में जाके ये ऑर्डर्स में आपको मिलता है। और यहाँ पे देखो पूरी रिसिप्ट जनरेट हुई। ठीक है, जरा यार अपनी ईमेल लॉगिन करके चेक करना, तुम्हें ईमेल आई है नहीं आई? वैसे ईमेल आती नहीं है लोकल होस्ट से, लेकिन मैं इसे फिर भी चेक करवा रहा हूँ कि इसके पास दिखी है नहीं दिखी। F8 प्रेस करो, F8। हाँ, यहाँ से मिनिमाइज कर दो। ठीक है, आप देखिए ये आ गया आपके पास ऑर्डर। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रोसेसिंग। ठीक है जी, अब इस ये आई जो आपके पास बनी हुई आ रही है ना, जब आप इसको ओपन करते हैं तो एक नया मेन्यू आपके सामने खुलेगा, ये देखिए। ठीक है, अब आप इसको कंप्लीटेड करना चाहें कंप्लीटेड करवा लें, या एडिट करके आपको इसको कैंसिल करना है तो आप कैंसिल भी करवा लें। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ये ऑर्डर भाई मेरे पास जो है वो आया हुआ है, इसको मैंने जाके यहाँ से अपडेट कर दिया। आज हमारे पास पीसी काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है, जिस वजह से ये वेब सर्वर भी स्लो चल रहा है। _24 के बाद _ हटाओ। अच्छा, WooCommerce आपको सब बना के देगा, सब, कितनी इनवॉइसेस आई हैं, कितना पैसा आया, सब कुछ है। डीएम जैन थोड़ी है, फैब है। FEB, FEB ना, तो को चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हाँ, दोनों ये दोनों तो लाजमी है, बहुत बहुत इजीली बन जाएगा, डालने आराम से हो जाएगा। अब भाई ये ऑर्डर का स्टेटस है, ऑन होल्ड है, कंप्लीटेड है, कैंसल्ड है, रिफंडेड है, क्या है ये? मैंने जाके बोल दिया इट इज कंप्लीटेड। ठीक है जी, तो आपके पास ये कस्टमर जाके ये किसको, इस ईमेल पे ये ऑर्डर जाके क्या हो जाएगा, इसकी रिसिप्ट चली जाएगी कि तुम्हारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, तो ये मैंने सारे काम यहाँ पे कर लिए। एक प्रोडक्ट को डालते साथ आपके पास और क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं उसको जाए हमने देखे। वेलकम 3 लगाओ, WCL ELLCOM3, ई हटा दो, ई हटा दो, 3 के से पहले ना ई हटा दो। तो इसको अपडेट नहीं करेंगे? नहीं, हो गया अपडेट, वो खुद ही कर लिया, रिफ्रेश हो गया ना। ठीक है जी, अब आप जाके अपने ऑर्डर्स के टाइम पे दोबारा जाएंगे ना, तो वो कंप्लीटेड लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अब देखेंगे जरा, यानी कि पूरा सिस्टम आपको वो बना के देगा, पूरा जितना सिस्टम आपके पास बना हुआ है ना, वो आपके पास सब कुछ करके दे देगा। ठीक है जी, उसके बाद यहां पर आते हैं सेटिंग्स पे। ठीक
अब देखें, सबसे पहले छोड़ो अकाउंट्स एंड प्राइवेसी। भाई आप अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं किसी के लिए भी, तो उस पे आप क्या चाहते हैं? देखिए मैं आपको एक सीधी सी ह्यूमन साइकी बताऊं, मैं ऑर्डर करता हूं ना किसी भी वेबसाइट से, अगर मुझे वो दिख जाए ना कि फॉर्म फिल करना है, मैं हट जाता। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि हम अकाउंट से आए ना, तो गेस्ट चेकआउट अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट, इस पे चेक लगा हुआ है, ठीक है हो जाए। हाँ अलाउ कस्टमर टू लॉग इन इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, ये गलत है। अब मेरे पास अकाउंट ही नहीं है, मैं शॉपिंग करता हूँ वंस इन अ ईयर, अब मुझे अकाउंट याद ही नहीं है, तो मैंने जाके क्या किया, ये वाले ऑप्शंस जो लगे होंगे ना, अच्छा कुछ लोग आपको बोलेंगे भी कि नहीं मैं चाहता हूँ मेरे वेबसाइट पे यूजर्स भी आए, लॉग इन करके अकाउंट लॉक करें, ठीक है जी, तो ये जरूरी नहीं होते, ये सारे ऑप्शन यहाँ मौजूद है। अकाउंट क्रिएशन अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द माई अकाउंट पेज, ठीक है जी, वेन क्रिएट एन अकाउंट ऑटोमेटिकली जनरेट एन अकाउंट यूजर नेम फॉर द कस्टमर बेस्ड ऑन दियर नेम सरनेम और ईमेल, तो ये भी हटा दो, यानी कि यूजर को आपको फ्री हैंड रखना है, अगर आप अकाउंट बनवा भी रहे हो या यूजर खुद अकाउंट बनाना चाह रहा है तो वो अपने पसंद से यूजर नेम पासवर्ड सब डाल दे। वेन क्रिएटिंग एन अकाउंट सेंड अ न्यू यूजर अ लिंक टू सेट दियर पासवर्ड, ये भी नहीं करना, लोग ना इससे स्टक हो जाते हैं, ठीक है जी, मतलब ई कॉमर्स की वेबसाइटों पे ना ये चीजें जरूरी नहीं। जी हाँ उसके बाद नीचे आए अकाउंट रेजियर रिक्वेस्ट रिमूव पर्सनल डेटा फ्रॉम ऑर्डर्स ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है भाई हटा दो, अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है कि सारा मेरा डेटा पर्सनल डेटा हटा दो, हटा दें हम। रिमूव एक्सेस टू डाउनलोड ऑन रिक्वेस्ट, कि अगर आपसे कोई बंदा रिक्वेस्ट करता है तो आप उसको चीजों को डाउनलोड करने से भी इसको हटा दें, रिमूव कर दें उसके सारी चीजें, ये होना चाहिए। होना चाहिए, ठीक है जी। पर्सनल डेटा रिमूवल अलाउ पर्सनल डेटा टू बी रिमूव इन बल्क फ्रॉम ऑर्डर्स, अगर ज्यादा डेटा आ रहा है अब इसको आपको हटाना नहीं है, कुछ चीजें आपको अपने पास सेफ साइड में रखनी है, ठीक है जी। उसके बाद पर्सनल डेटा रिटेंशन चूज हाउ लॉन्ग टू रिटेन पर्सनल डेटा व्हेन इट इज नो लॉन्गर नीडेड फॉर प्रोसेसिंग, अब भाई मैंने अगर 1 साल पहले ऑर्डर किया था न्यूट्री फैक्टर पे तो वो मुझे हर महीने कुछ ना कुछ SMS भेजते रहते, ठीक है, और अच्छी बात है उनके पास डेटा रखा हुआ है, आपको कोई डेटा हटाना नहीं है, भले यूजर इनएक्टिव है तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो उसको नीड पड़ती है ना, तो आपको कोई भी चीज हटानी नहीं है, ठीक है जी। इसको मैंने कर दिया सेव चेंजेस, एंड योर सेटिंग्स हैव बीन सेट, ओके जी, ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए जरूरी, ठीक है जी, इन चीजों में आपको काम करना जरूरी है, आपको कोई एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना, इनवॉइस जनरेट करना, PDF इनवॉइस, वो यूजर के पास WooCommerce खुद ही भेज देता है, जी हाँ WooCommerce फ्री में इतना बड़ा है कि आपने अभी तक तो उसका प्रीमियम देखा ही नहीं है, फ्री में वो इतनी सब चीजें आपको करके दे देता है, ठीक है भाई। अब जरा हम आते हैं अपने होम पेज की तरफ, ओके, तो यहां पे जस्ट एक स्लाइडर है, इसको हम एडिट करेंगे, बस ये वाला पार्ट लास्ट करवा रहा हूं, फिर मैं लेक्चर को एंड करूंगा। ये ले, ठीक है, एडिट पे एलिमेंटोर पे चले जाएंगे हम,
चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्लाइडर तो चल रहा है। अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग ऐड करता हूँ, यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया एंड एक हेडिंग यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। ओके जी, मैंने इसका नाम दे दिया शॉप बाय ठीक है। और इसके स्टाइल पे आके इसका जो टेक्स्ट कलर है इसको ब्लैक कर देते हैं ठीक है। शॉप बाय कैटेगरी पे जाने के बाद अब मैंने जितनी कैटेगरीज बनाई है ना, जितनी कैटेगरीज ये आ गई प्रोडक्ट कैटेगरीज, मैं चाहता हूं एक रो में 3 कॉलम शो करे और टोटल 6 कैटेगरीज मुझे दिखाए, यानी 2 रोज बने, कितनी 2। अभी आपसे एक चीज पूछ रहा है क्वेरी में कि सारी कैटेगरी शो करनी है या मैनुअल सिलेक्शन या बाय पेरेंट। मैंने कहा मैनुअल सिलेक्शन करो और मुझे सिर्फ वो कैटेगरीज दिखाओ जो चाइल्ड है, पेरेंट कैटेगरीज नहीं ठीक है। यानी कि जैसे मैंने चूज कर लिया यहाँ पे मोबाइल फोन, देन आई चूज एलईडी, सैमसंग एलईडी क्यों मुझे शो नहीं कर रहा? हाँ एलईडी में मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है ठीक है जी। तो यहां पर आप चीजों को इसमें क्या कर सकते हो, ऐड करवा सकते हो। या आपको सारी कैटेगरी शो करवानी है वो करवा दें, या जस्ट पेरेंट कैटेगरी शो करवानी है वो करवा दें ठीक है। तो यहां पे आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे मैंने इसको कर दिया अपडेट ठीक है। अब कैटेगरी पे कोई पिक्चर होनी चाहिए तो ये थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा ठीक है जी। तो आप इसके लिए कोई अच्छी सी एक पिक्चर भी निकाल के इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉप बाय कैटेगरी दे दी। आप होम पेज ना इसी तरीके से आपका बढ़ता चला जाएगा, फिर शॉप बाय प्रोडक्ट्स की तरफ हम आ जाएंगे ठीक है जी। कि भाई ये प्रोडक्ट्स है, फिर हम व्यू ऑल करवा लेंगे कि भाई सारे प्रोडक्ट्स तुम्हें देखने हैं तो यहाँ से तुम देख सकते हो। क्लियर है जी। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे कर ली और जो काम हमने कर चुके हैं उन सबको हम सेव करेंगे। और ये ऑटो सेव होता है, सेव तो आपने कर लिया ठीक है जी। अब आप सारे टैब्स को क्या कर लें, बंद कर लें ठीक है जी। और ये आपकी डेटाबेस है। अब डेटाबेस पे भी एक चीज मैं आपको करके दिखा देता हूं। दोबारा से वेबसाइट पे आ जाते हैं और अगली क्लास में ना मैं आपको इसको लाइव करना दिखा दूंगा ठीक है। लाइव करके मैं आपको दिखा दूंगा कि ये लाइव कैसे होती है। ग्यारह ग्यारह अब देखें ये आ गया ठीक है जी। अब चलें जी मोबाइल फोन्स पे आते हैं। कूपन भी तो ऐड करके देख लें कि कूपन ऐड हुआ या नहीं हुआ ठीक है जी। ऐड टू कार्ट किया लिखा हुआ है 19 इन स्टॉक। चलें 2 पीस इसके ऐड कर दें। अब रमजान से पहले ना, मतलब आपके पास ऑलमोस्ट 4-3 क्लासेस और बाकी हैं मंडे तक ठीक है। तो मंडे तक मैं थोड़ा सा चीजों को ना खींचूंगा। उसकी वजह ये है कि रमजान में मुझे पता है आपका एनर्जी लेवल वैसे ही लो होगा, ये नॉर्मल सी बात है ठीक है। और रमजान में अक्सर स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये मसला हो रहा है। तो उसके पहले हम थोड़ा सा टॉपिक को अपने लेंदी लेंगे ताकि हमारे पास चीजें कवर अप, फिर रमजान में हम स्लोली स्लोली लेके चलेंगे। और रमजान में आपकी क्लास वैसे ही 1.5 घंटे ही हो जाएगी, तो
अगर 1 घंटा भी मैं लेक्चर खींचूंगा और आपके पास बचेगा आधा घंटा, ठीक है? तो फिर उसके से पहले हम थोड़ा सा चीजों को रैपअप कर लेंगे, ठीक है? अब देखो, व्यू कार्ड पे गए, ठीक है? अब देखें, मैंने फोन ऐड कर लिए, आप ओपन ऐड करते हैं यहाँ पे भाई। ये वेरीफाई करेगा कि इस नाम से कूपन है या नहीं है, अगर होगा तो ये कैलकुलेट करेगा। देखें, हो गया, ओपन ऐड हो गया। अब आपके पास टोटल बिल बन गया। हाँ, ये पूरे बिल पे हुआ है, ये दोनों प्रोडक्ट्स पे हमने नहीं रखा था, ये पूरे बिल पे रखा है, ठीक है? और प्रोसीड टू चेकआउट कर दिया मैंने। अगर आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो आप पहले से सारी प्लानिंग करें, और अगर आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो क्लाइंट के पहले पूरी सुने, आपको लगता है कि आपकी मानेगा तो सजेशन दे, नहीं मानेगा छोड़, क्लाइंट अभी से मिलता है पकड़ लो। हाँ, कोई मसला थोड़ी है, सीजन आ रहा है भाई रमजान। कल मैंने शॉपिंग की एक बंदे के पास, ठीक है जी, उससे मैंने 5,000 की शॉपिंग की और उसको मैं अपना मंजन बेच के आया। मुझे पक्का यकीन है कि वो मुझे 1-2 दिन में कॉल करेगा, मुझे कह रहा है हो सकता है। मैंने कहा हाँ, मैंने उसको जाके कंपेयर का किया बच्चा पार्टी पे, मैंने कहा देखो तुम्हारी भी शॉप है, बच्चा पार्टी भी शॉप है, क्या बच्चा पार्टी पे ये कह रहा है हमारा प्रोडक्ट बच्चा पार्टी से भी अच्छा है? तो मैंने कहा उसके पास यही सूट 3,000 का मिल रहा है, तुम्हारे पास यही सूट 1,000 की रेंज में, तो क्या तुम नहीं कमा सकते? मैंने कहा तुम 1,500 का बेचो। कह रहे नहीं, ये भी ज्यादा होगा, मैं तो 1,200 का बेच दूंगा, फ्री डिलीवरी दे दूंगा। अंदाजा लगाओ कितने का सूट उनको पड़ रहा है। तो वो खुश हो गया, ठीक है, उसने अपना कार्ड दिया, मैंने अपना कार्ड दे दिया उसको, मैंने कहा ये ले लो, अब देखना वो मेरे पास कैसे आएगा। और मुझे कोई टेंशन थोड़ी है, मेरे पास तो थीम्स पड़ी हुई है क्रैक होके, बस उसको उसका नाम देगा वो, मुझे नाम रजिस्टर्ड करूंगा और उससे होस्टिंग के पैसे भी नहीं, होस्टिंग भी उसके लिए बाय नहीं करूंगा, अपने पैनल में ऐड करूंगा, ठीक है जी, और जाके उसकी वेबसाइट Day 1 से लाइव होगी। हाँ, और पेमेंट भी हाफ पकड़ूंगा, वो प्रोडक्ट्स वगैरह तो खुद डालेगा। उसको हाँ, वो खुद डालेगा, उसको मैं सिखा दूंगा कि भाई देख तू तस्वीरें भेज दे, मैं तुझे ऐड करके देता हूँ, ठीक है? और उनका पता है क्या सिस्टम होता है, देखो अब उसका सिस्टम है कि ये 850 वाले सूट है, ये 950 वाले सूट है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने उसको बोला तुम वेबसाइट की तस्वीरें, वेबसाइट की प्राइस भेज देना, डिलीवरी चार्जेस मैंने उसको बोल दिया, पीछे TCS वाला है जाके पूछ लो। तो कह रहा नहीं, TCS वाला क्यों डिलीवर करेगा, मेरा लड़का करके आएगा। मैंने कहा ये कर लो, रमजान में TCS सर्विस यूज कर लो। तो अब देखो ना, इस तरीके से क्लाइंट पकड़ते हैं, क्योंकि लोगों ने अभी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनको आप यहां से काउंसल करें। बड़ा एक देखें, एक क्लाइंट को आप 50,000 बोलेगे ना, उसको ही उसको बोलो ठीक है भाई, तू 25,000 दे दे, तू 20,000 दे दे, 15,000 दे दो, होस्टिंग डोमेन इंक्लूडेड। हाँ, इंक्लूड करके दे दे, ठीक है? देखें, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे मैंने की हुई है, मुझे कोई टेंशन थोड़ी है, मेरा तो अपना सी पैनल चल रहा है ना, मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी है, अब मैं उसमें और वेबसाइटें डाल दूं, मुझे कोई टेंशन ही नहीं होगी। बारह सी पैनल आता है कि सेम हजार जैसे एक ये आपने जो 8,000 वाला बोला था उसमें सिर्फ होस्टिंग है, उसमें डोमेन आपके पास होना चाहिए। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर मैं उसको बढ़ाना चाहूँ तो वो बढ़ सकता है, हाँ हाँ बढ़ेगा जी, होस्टिंग होस्टिंग मतलब अगर बढ़ सकती है तब बढ़ जाएगी, ठीक है? अब कोई सीलिंग तो नहीं है उस? अरे ये भी आपके पास बहुत है, 100 GB भी मोर देन इनफ है। हाँ, अब देखिए ना, आज मेरा अपना स्टूडेंट है, उसी ने मुझसे सुबह एक चीज पूछी, मैंने कहा भाई थोड़ा काउंसलिंग सीख, वो तो 3 इयर्स डिप्लोमा प्रोग्राम है, अब मसला ये कि वो आलिम है। मैंने कहा भाई साहब थोड़ा काउंसलिंग सीख, क्लाइंट को क्यों डोमेन वोमेन इसको समझा रहे, उसको सीधा बोल दे भाई तुम्हें नाम क्या चाहिए, नाम चेक कर अवेलेबल है और जाके इसको बुक कर, ठीक है जी। बोला सर आप बुक कर दो, मैंने कहा ठीक है मैं बुक कर दूंगा, तो पैसे देख लेना, मुझे ट्रांसफर कर दो और सीधा अपने पैनल में डालो। अब उसके लिए मुझे कह रहा था मैं सर आप डाल देना, मैंने कहा चलो तुम मेरे साथ बैठ जाना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो उसको भी मैंने सुबह यही समझाया, मैंने कहा भाई काउंसलिंग सीखो, उसको अपने पैनल में ऐड करवाओ, अब उसके लिए अलग से पैनल खरीदना, फिर उसको वो डिटेल देना, उसके पल्ले थोड़ी पड़ना है भाई। मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं, मैं कल जब कपड़े लेने गया ना अपने बच्चे के,
तो उसके पास मैंने क्या चीजें देखी, और वो कह रहे यार आज मैंने जितना काम किया ना उस डेटाबेस को यहाँ पे आके एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक है जी, और अपने पास सेव कर लूंगा। एक्सपोर्ट के बाद यहाँ एक्सपोर्ट पे आप क्या कर देंगे, क्लिक, क्योंकि डेटाबेस एंड में एक्सपोर्ट कीजिएगा जब सारा काम आपने कर लिया, ताकि उसमें सब सेव होता जाए, ठीक है। और वेबसाइट आप जहां पे भी बनाओ उसको आप लॉग आउट कर लो। अब जो आपने वेबसाइट बना ली है ना, उसको ड्राइव पे ले जाएं, ड्राइव डॉट गूगल डॉट कॉम, ये गूगल की तरफ से आपको फ्री सर्विस मिलती है जिसमें 15 GB की स्टोरेज फ्री होती है, ठीक है। यहां पर आके आपको करना क्या है, न्यू पे जाना है और फाइल अपलोड करनी है। ठीक है, अभी ये डाउनलोड जैसे ही हो जाएगा तो मैं इसको यहाँ जाके फाइल को क्या कर लूंगा, अपलोड कर लूंगा। ये देखो आ गई, बस ये डेटाबेस आप अपने साथ ले जाएं, ये डेटाबेस आप अपने साथ क्या करें, ले जाएं। और अगर आपको प्रोजेक्ट भी ले जाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, न्यू में जाएंगे, फोल्डर अपलोड पे जाएंगे, ठीक है जी, जहां आपका फोल्डर प्रोजेक्ट रखा हुआ है। प्रोजेक्ट एपटेक में एक ही जगह पे रखा होता है, डी में, और यहाँ होता है DDD, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जो बना हुआ है उसका नाम है DM14। ये जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे ना, ये आपको बोलेगा कि अपलोड, इसको अपलोड कर दे। ये देख, बस ये आप डेली बेसिस पे आप अपना ये काम कर ले, डेली बेसिस, ठीक है।